हेलो एंड वेलकम ऑन विषय अकेडमी डॉट कॉम। मैं हूँ विनय सिंह और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं HTML टेबल बट नेस्टेड। ओके, मतलब नेस्टेड टेबल। सो जैसा कि हम जानते हैं, जब भी हम किसी एलिमेंट को उसी एलिमेंट के अंदर एक या एक से ज़्यादा बार रिपीट करते हैं तो उसे हम कहते हैं नेस्टेड करना। सो उसी तरह हम बनाने वाले नेस्टेड टेबल, मतलब टेबल के अंदर टेबल क्रिएट करेंगे हम। पिछली बार हमने ये टेबल बनाई थी हमारे वेब पेज में, एक सिंपल टेबल। इस बार हम शुरू करेंगे एक नए डॉक्यूमेंट के साथ। टेक्स्ट एडिटर में मैं यूज़ करने वाला हूँ ड्रीमवीवर, और मैंने इसमें न्यू डॉक्यूमेंट बना लिया है। इस न्यू डॉक्यूमेंट को सबसे पहले हम सेव कर लेते हैं। इसे मैं सेव कर रहा हूँ मेरी HTML डायरेक्टरी में और नाम दे रहा हूँ index.html। ओके, इसका नाम है table.html, index.html। ओके, अभी ब्लैंक पेज है हमारे पास। ड्रीमवीवर में मैं डिज़ाइनिंग और कोड दोनों सेक्शन के यूज़ करूँगा, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम इंसर्ट करते हैं टेबल, क्योंकि नेस्टेड टेबल बनाने के लिए, जब नेस्टेड टेबल को समझने के लिए हम टेबल का यूज़ करके एक बेसिक वेब पेज का लेआउट रेडी करेंगे। सो ये टेबल, इसका कोड आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, इसे हम रिसाइज कर लेते हैं। जो आपको कॉर्नर्स पर एंड सेंटर पर जो ये ब्लैक कलर के स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कॉर्नर पर एंड सेंटर्स में, इन पर माउस ले जाते ही आपका जो माउस का कर्सर है वो रिसाइज कर्सर में बदल जाता है, रिसाइज पॉइंटर में, और आप इसे रिसाइज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो हम बनाने वाले हैं HTML टेबल से एक बेसिक वेब पेज का लेआउट। यहाँ पर हम देंगे हेडर, यहाँ पर नेविगेशन थोड़ा छोटा कर सकते हैं, देन यहाँ पर मेन कंटेंट जो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, एंड लास्ट में फुटर जिसे हम छोटा कर सकते हैं इस तरह। ओके, सो हेडर को मैं डिवाइड कर देता हूँ दो पार्ट्स में। डिवाइड करने के लिए आप राइट क्लिक करें ड्रीमवीवर में से उस सेल में जिसे आप स्प्लिट करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, एंड क्लिक करें स्प्लिट सेल पर टेबल सेक्शन में। देन आप इसे रो में डिवाइड करना चाहते हैं कॉलम्स में, मैं से कॉलम में डिवाइड करना चाहता हूँ दो कॉलम्स में। ओके, आप हर सेल को इंडिविजुअल रिसाइज भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, सो इसे मैं इतना कर देता हूँ। यहाँ हम देंगे लोगो, यहाँ पे हेडर या बैनर, देन यहाँ पर हम देंगे नेविगेशन, यहाँ होगा हमारा मेन कंटेंट। मेन कंटेंट को भी दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के लिए आप राइट क्लिक तो कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पर बॉटम में एक स्प्लिट आइकॉन दिया होता है, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं इस तरह से। ओके, और आपका सेल जो है डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आप ले सकते हैं लेफ्ट मेन्यूज़ या जो भी आप रखना चाहें, ओप्स, लेफ्ट मेन्यूज़। ठीक है, और यहाँ पर मेन कंटेंट और नीचे फुटर। सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं। ये देखिए हमारी एक बेसिक टेबल रेडी है जो किसी वेबसाइट के लेआउट की तरह दिखाई दे रही है। इस तरह आप HTML टेबल का यूज़ करके फटाफट एक लेआउट रेडी कर सकते हैं, एक डमी लेआउट आपके सीखने के लिए। ठीक है, अब मैं यूज़ करूँगा कोड। मैं डिज़ाइन और कोड दोनों का यूज़ करता हूँ ताकि मैं कोड भी ना भूलूँ और डिज़ाइन के ऑप्शंस भी ना भूलूँ। तो आप जिस तरह का तरीका यूज़ करना चाहें वैसा कर सकते हैं। डायरेक्ट कोड भी यूज़ कर सकते हैं और पूरी तरह से डिज़ाइन सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं टेबल को देना चाहूँगा 90% विड्थ एंड अलाइन सेंटर। देन लोगो में मैं एक इमेज इंसर्ट करना चाहूँगा, इमेज इंसर्ट कर रहा हूँ मैं इमेज सोर्स इमेजेस में एक डमी लोगो। ओके, एंड हेडर में मैं एक बैकग्राउंड इमेज दे रहा हूँ। बैनर, ओके, सेव एंड आउटपुट। ये देखिए एक वेबसाइट का हेडर रेडी हो चुका है। लोगो का जो सोर्स है उसे हम दे देते हैं बिट, लोगो की बिट 150। ओके, एंड टेबल अकॉर्डिंग टू लेआउट अभी हम 80% कर देते हैं, एकदम फिट दिखाई दे रहा है अब। ठीक है,
देन फूटर, फूटर को सबसे पहले हम कर लेते हैं रेडी। कॉपीराइट 2013, योर बिजनेस। ओके, एंड फूटर का बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ मैं बीजी कलर, F1, F1, F1। एंड नेविगेशन का भी सेम बैकग्राउंड कलर। ओके, अब लेफ्ट मेन्यूज़ में हम एक और टेबल इंसर्ट करेंगे। चलते हैं डिज़ाइन में, लेफ्ट मेन्यूज़ हटाते हैं और यहाँ पर इंसर्ट करते हैं टेबल। टेबल इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट में जाके टेबल पर क्लिक कर सकते हैं या फिर कंट्रोल अल्ट एंड टी एक साथ प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, हमें चाहिए 4 रो एंड 1 कॉलम, 5 रो कर देते हैं एंड 1 कॉलम। ओके, सो इस तरह की टेबल हमें दिखाई देगी। या हम लिख सकते हैं नेविगेशंस जो हमें लेफ्ट साइड में चाहिए, लाइक न्यूज़ लेटर एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ, या फीडबैक, या फिर न्यूज़ इवेंट्स मोर। ओके, इन्हें हम लिंक कर देते हैं। इस तरह ड्रीम वीवर का यूज़ करके आप बिल्कुल फटाफट आपकी वेबसाइट की डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। मुझे लिंक देने के लिए भी टैग नहीं लगाना पड़ रहा है, बल्कि उनको सेलेक्ट करके और लिंक में यहाँ पर लिंक देना होता है बस। अभी मैं एग्ज़ाम्पल के लिए केवल हैश लिख रहा हूँ यहाँ पर लिंक क्रिएट करने के लिए। देन नेविगेशंस, नेविगेशंस में भी हम एक और टेबल इंसर्ट करेंगे। सो यहाँ हम 1 रो एंड 6 कॉलम इंसर्ट कर देते हैं। ओके, जो हमें दिखाई देगी इस तरह, लिंक दे देते हैं होम, प्रोडक्ट, गैलरी, करियर, इवेंट एंड कॉन्टेक्ट अस। ओके, इन्हें भी लिंक कर देते हैं। ओके, रिफ्रेश, एंड देखिए हमें इस तरह की टेबल दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमने एक टेबल ली है, उस टेबल के अंदर हमने नेविगेशन में एक और टेबल इंसर्ट की है और लेफ्ट मेनू बार में भी एक और टेबल इंसर्ट की है। इधर नीचे फुटर है, मतलब हमने एक टेबल के अंदर दो टेबल इंसर्ट कर दिए। जो मेन कंटेंट है यहाँ पर, आप जो भी अपने वेब पेज पर शो करना चाहते हैं, लाइक होम पर आपके होम पेज के बारे में, प्रोडक्ट पे आपके प्रोडक्ट के बारे में, या जिस तरह की वेबसाइट आप बना रहे हैं उससे रिलेटेड। ओके, मेन कंटेंट में मैं हमने जो पिछले वीडियो में टेबल बनाई थी उसी टेबल को इंसर्ट कर दूंगा। ये है इसका कोड, आप इसे स्प्लिट करके और डिज़ाइन और कोड दोनों एक साथ दे सकते हैं। मुझे कोड लिखना है इस सेल में मेन कंटेंट में, तो मुझे ऑटोमेटिक कर्सर यहाँ पर दिखाई देगा। अगर मुझे हेडर में लिखना होता तो हेडर में ऑटोमेटिक कर्सर दिखाई देने लगता। ये देखिए यहाँ पर, इसी तरह जहाँ पर भी आपको चाहिए वहाँ पर आप इजीली यहाँ क्लिक कीजिए और वहाँ पर कोड पे आप कर्सर देखेंगे। सो मुझे चाहिए यहाँ पर टेबल, ये मैंने कर दी कॉपी। ओके, एंड रिफ्रेश, ये देखिए हमने इसमें एक और टेबल इंसर्ट कर दी, लेकिन अभी बिल्कुल कंजेस्टेड दिखाई दे रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो हम इसकी बॉर्डर्स कर देते हैं 0, सेव। ओके, मेन टेबल की बॉर्डर 0, सेव, एंड नेविगेशंस की बॉर्डर 0। ओके, और जो मेन कंटेंट एरिया है
इसे हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इस तरह, और ये टेबल इसकी विड्थ हम कर देते हैं 80%। तो ये स्क्रीन की 80% के इक्वल नहीं होगी, बल्कि जिस सेल में अवेलेबल है उस सेल की 80% के इक्वल होगी इस तरह से। ठीक है, आप चाहे तो लेफ्ट बार जो है उसमें भैया बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, ताकि दोनों सेपरेट दिखाई दें सेल्स। लेफ्ट बार यहाँ पर, इस तरह से। ठीक है, तो हमने इस तरह से एक बेसिक वेब पेज का लेआउट रेडी किया है, और एक टेबल के अंदर हमने तीन टेबल्स इंसर्ट किए हैं, नेविगेशन में, लेफ्ट बार में और एक मेन कंटेंट में। तो इसे हम कहते हैं नेस्टेड टेबल, टेबल के अंदर टेबल। और इस तरह आप टेबल का यूज़ करके फटाफट एक बेसिक वेब पेज का लेआउट रेडी कर सकते हैं। ठीक है, सो मुझे उम्मीद है कि आपको नेस्टेड टेबल समझ में आई होगी, और आपको ये पता चला होगा कि आप किस तरह एक टेबल का यूज़ करके या नेस्टेड टेबल प्रॉपर्टी का यूज़ करके फटाफट एक वेब पेज का लेआउट रेडी कर सकते हैं। ठीक है, सो नेस्टेड टेबल में इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।